नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 7 चरणों के मतदान के बाद अब सबकी नजर चुनावी नतीजों पर है। चुनाव आयोग ने 10 मार्च को मतगणना की चाक चौबंद व्यवस्था प्रदेश भर में की है। प्रदेश भर में 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर अर्धसैनिक पुलिस बल और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मतगणना होगी। अर्धसैनिक बलों की 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी, चुनाव आयोग ने दावा किया है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और चुनाव आयोग की तरफ से सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी आदि की भी व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों की मॉनिटरिंग होगी। चुनाव आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश भर में 84 मतगणना केंद्र हैं। वहां सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे से ईवीएम मशीनें खुलेंगी और ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अर्धसैनिक और पुलिस बल के जवानों की तैनाती भी सभी मतगणना केंद्रों में भारी संख्या में की गई है। सीसीटीवी कैमरे रो और वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी मतगणना केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ मतगणना संपन्न कराई जाएगी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सभी मतगणना केंद्रों में ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई है। धन्यवाद। विभिन्न अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोक टीवी।